Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 11th of February 2020. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, at least statement got lot of importance in India's freedom struggle. What is the significance of it? Your options are A. It declared British intention of leaving the Indian subcontinent. B. It transferred the power completely to the princely states. C. Release of political prisoners of freedom struggle. या फिर D. None of the above. Second question is, consider the following statements regarding Mountbatten plan. First statement है, independence for princely states was granted in the plan. Accession of Hyderabad to Pakistan was ruled out in the plan. Third statement is, a boundary commission to be set up if partition was to be effected. Which of the statements given above is oblique are correct? Your options are A, 2 only, B, 1 and 3 only, C, 3 only, or फिर D, 2 and 3 only. Third question is, which of the following personalities defended INA prisoners in the court of law? Your options are, first Dr. Ambedkar, second Jawaharlal Nehru, third Asaf Ali. Select the correct answer using the quote given below. A, 1 and 3 only, B, 2 only, C, 3 only, या फिर D, 2 and 3 only. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करिएगा comment section में. And आजकल आप लोग answers कम कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए इससे कि आप लोग you don't want these questions. अगर आप ये questions चाहते हैं कि आपको दिए जाए, so please do comment and provide the answer so that we can know कि you people are really interested in these questions. And अगर आप questions में कोई improvement चाहते हैं या कोई suggestion देना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी suggest कर सकते हैं कि किस तरह के questions को और ज़्यादा include किया जाए, ठीक है? तो अभी न्यूज़ डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आज के जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनको बता देते हैं आपको. तो सबसे पहले हम लोग एससी एसटी जो एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसको लेकर के जो अमेंडमेंट हुआ था एंड उसको सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया था, तो उसकी रूलिंग के बारे में बात करेंगे. दूसरी चीज़, आज हम लोग सूरजकुंड फेस्टिवल और सूरजकुंड फेयर के बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट गगनयान. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस. पहला एडिटोरियल जो है हमारा आज का रिजर्वेशन के ऊपर है, रिजर्वेशन एज राइट्स. देन वी विल टॉक इन द लीड आर्टिकल अबाउट लिबर्टी एट गवर्नमेंट विम्स. उसके बाद सेकंड आर्टिकल जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम का एक क्रिटिसिज्म है, तो उसकी आलोचना है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड एडिटोरियल इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द कावेरी डेल्टा जोन. तो तमिलनाडु में अभी उसका जो उस डेल्टा जोन है उसको इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन, तो इसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा ऑपेड पेज पर फर्स्ट आर्टिकल जो है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसके कारण आम जनता को क्या नुकसान हुआ है या आपको क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट इंडिया स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंट्रोल कोरोना वायरस. इसके अलावा महात्मा गांधी को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है इस देश में, देन वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड इन द पेज नंबर 13 वी विल टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम. एंड लास्ट पेज पर जो है आपकी ऑस्कर से रिलेटेड न्यूज़ है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज या बॉन कन्वेंशन भी जिसको बोला जाता है, वो इस बार इंडिया में हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे. एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट जेआरडी टाटा. तो ये आज की न्यूज समरी है, हम लोग अपना न्यूज डिस्कशन शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, डैट इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट. एंड इसको लेकर के 2018 में जो है वो विवाद शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के अंदर भी जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है उनको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है. उसके अलावा उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा भारत बंद हुआ और ये सारी चीज़ें हुई एंड गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल प्रेशर में आते हुए उन्होंने अमेंडमेंट लेकर के आए. अब उन अमेंडमेंट्स के बाद उनको चैलेंज किया गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज किया गया अभी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बार ये रूलिंग दी है कि जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेकर के आए हैं वो सारे अमेंडमेंट सही हैं. एंड लेकिन यहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट को ये पावर दी है कि हाई कोर्ट अब ये डिसाइड कर सकता है कि किसको एंटीसिपेटरी बेल देनी है. अगर कोई एक्सेप्शनल केस है या प्राइमा फेसी अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी के खिलाफ मिसयूज किया जा रहा है इस एक एक्ट को, तो दे कैन ग्रांट
द एंटिसिपेटरी बेल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो केस की पूरी हिस्ट्री है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब मार्च इसी केस में मार्च 20 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है, उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। देन सेक्शन 18A ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वॉज एमेंडेड एंड इट सेड कि बेल जो एंटिसिपेटरी बेल है इट विल नॉट बी गिवन। देन दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज इन द पृथ्वीराज चौहान केस एंड अभी जो है यहाँ पर इसकी जो लेटेस्ट रूलिंग आई है वो इस चीज़ को लेकर के आई। अब ये लॉ जो है वो आपसे कहाँ पूछा जा सकता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये आपसे GS-1 में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेम एनी वन लॉ विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और एनेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ इट। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद सच लॉज। ठीक है, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेते हुए आपसे पूछा जा सकता है कि जो SC ST के बेनिफिट्स के लिए जो लॉज बनाए गए थे उनमें ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, एक तो अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। दूसरी इन एक्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं हमारे सामने जहां पर इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता या मैलेफाइड इंटेंशन के साथ केसेस को फाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक दो प्रॉब्लम्स हैं और बाकी आप लोग खोजते रहिए और कमेंट करके बताइए और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लॉज एनैक्ट किए गए हैं SC ST वेलफेयर के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑस्कर एंड कल ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, पैरासाइट को दिया गया है। एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, बोंग जोन हु को दिया गया है जो कि डायरेक्टर है पैरासाइट के। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नॉन इंग्लिश फीचर फिल्म को जो है वो ऑस्कर अवार्ड दिया गया हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग क्योंकि इस तरह के जब भी कोई एक्सेप्शन होता है तभी वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इस बार किसको मिला है ऑस्कर में, पैरासाइट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बोंग जोन हु को मिला है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है जोकिन फोनिक्स फॉर जोकर एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है रेने ज़ेलवेगर फॉर जूडी एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल लॉरा डर्न फॉर मैरिज स्टोरी एंड बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल जो है वो ब्रैड पिट वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड इनको दिया गया है। तो अब ये जो है वो UPSC में बहुत रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन वन डे टाइप एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पे पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये बता दिया गया। इसके अलावा ऑस्कर्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि इनको दे आर ऑल्सो नोन एज द एकेडमी अवार्ड्स। ऑफिशियल नेम इनका क्या है, एकेडमी अवार्ड्स, पॉपुलरली दे आर नोन एज द ऑस्कर्स। ठीक है, एंड पहली बार कब दिए गए थे, दे वर गिवन इन द ईयर 1929। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, पहली बार एकेडमी अवार्ड्स जो है वो 1929 में दिए गए थे। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की तरफ से जो है वो पहली बार ऑस्कर किसको दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। नाउ कम टू पेज नंबर 4 एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सूरज कुंड फेयर एंड इस न्यूज़ में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि इस बार की जो पार्टनर कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन आए हैं इंडिया में सूरज कुंड फेयर में, उन्होंने सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एंड उज्बेकिस्तान का जो कल्चर है, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वो जो है माना जाता है कि वहाँ की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सूरज कुंड फेस्टिवल के बारे में और फेयर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूरज कुंड फेयर के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर जो है वो कहाँ लगता है, सूरज कुंड में। ठीक, कब शुरू किया गया था ये, 1987 में शुरू किया गया था। लोकेशन कहाँ है, सूरज कुंड फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आता है। एंड इसके जो ऑर्गेनाइज करने वाली मिनिस्ट्री हैं वो कौन कौन सी हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है,
अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यार ये चीज़ें तो यूपीएससी नहीं पूछेगा, पर हो सकता है पूछ ले। एंड आपको बार बार प्रीलिम्स नहीं देना है, ठीक है, आपको एक ही बार मौका मिलेगा प्रीलिम्स देने के लिए। एंड तो इस हिसाब से आपको तैयारी जो है वो अपनी पूरी रखनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि सूरजकुंड फेयर में इस बार जो है वो कौन सा है, और पार्टनर नेशन कौन सा है हमारा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, पार्टनर नेशन कौन सा है, उज्बेकिस्तान, एंड पार्टनर स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर सूरजकुंड फेस्टिवल के बारे में। नाउ कम टू द पेज नंबर 8, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू गगनयान मिशन, एंड इसे एक न्यूज़ में इसे एक चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि 4 इंडियन पायलट्स जिनको कि चुना गया था गगनयान मिशन के लिए, उनको भेजा गया है गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर इन मॉस्को रशिया, एंड वहाँ पर उनकी जो है वो ट्रेनिंग की जाएगी। एंड जो चारों कैंडिडेट्स हैं दे आर फाइटर पायलट्स फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। एंड जो हमारा गगनयान मिशन है वो कब तक में कंप्लीट किया जाना है भाई, 2022, ठीक है। अब इस मिशन के बारे में समझ लेते हैं, तो अंडर द गगनयान शेड्यूल 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इन ऑर्बिट, 3 फ्लाइट जो है वो ऑर्बिट में भेजी जाएंगी, इसमें से 2 अनमैन्ड होंगी एंड 3rd वन विल बी द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गगनयान विल सर्कल अर्थ एट अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300-400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ फॉर 5-7 डेज, एंड द पेलोड विल कंसिस्ट ऑफ क्रू मॉड्यूल स्पेस क्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बींग्स एंड सर्विस मॉड्यूल विच विल बी पावर्ड बाई 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स, एंड इट विल बी इक्विप्ड विथ एमरजेंसी स्केप एंड एमरजेंसी मिशन अबॉर्ड। एंड इसमें जो यूज किया जाएगा लॉन्च व्हीकल वो कौन सा है, GSLV Mark 3 विल बी यूज, ठीक है। एंड इसकी कीमत कितनी है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी कॉस्ट अराउंड 10,000 करोड़। तो ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पर गगनयान मिशन के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा, उसके बाद रेयर डिसीजेस के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो तैयार की है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर क्या है, 15 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे टू ऑल दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम रेयर लाइजोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। तो जिन लोगों को भी LSD लाइजोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स है, उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल बी गिवन एन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹15 लाख। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी बोला है ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर कि दे विल बी क्रिएटिंग अ हेमोटोपेटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, एंड इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी जो है वो बनाई जाएगी, जिसके जरिए जिन लोगों को भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द रेयर डिसीजेस, वो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इस एक न्यूज से, ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड एडिटोरियल पेज पर आज जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन एज राइट्स। एंड अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि पदोन्नति में आरक्षण जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अब इसको लेकर के कल पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के एडिटोरियल लिखा गया है, एंड एडिटोरियल में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है बेसिकली कि ये जो लीगल पोजीशन है कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों है नई बात नहीं है, बिकॉज जो रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन लिया गया है दे आर फ्लोइंग फ्रॉम द एनेबलिंग प्रोविजंस एंड आर नॉट राइट्स एज सच। तो रिजर्वेशन भी अपने आप में कोई राइट नहीं है कि नहीं रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है। वहां पर फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 16 बेसिकली डील करता है वो ये लिखा हुआ है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लोगों के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, रेस के बेसिस पर हो, सेक्स के बेसिस पर हो, या इन सारे बेसिस पर जो है वो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका उसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड किए हैं दे फ्लो फ्रॉम दैट आर्टिकल, दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो एडिटोरियल ने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी पूछी है एडिटोरियल के अंदर कि मतलब इस तरह से क्या रिजर्वेशन के ऊपर भी कभी ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा स्टैंड ले ले कि रिजर्वेशन भी जो है वो आपका राइट नहीं है एंड उसको भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ख़त्म कर सकती है। अब रिजर्वेशन जो है वो अपने आप में
इट एनेबल्स इक्वालिटी, तो इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसके ऊपर एक्शन ना ले, लेकिन जिस तरह का अब ये जजमेंट आया है उसके बाद से एक सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहे या इफ़ दे वुड वॉन्ट इट तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेगा, तो इस एक क्वेश्चन के साथ एडिटोरियल ने मतलब गेस वर्क के लिए छोड़ दिया है। तो ये चीज़ आपसे कहाँ पर पूछी जा सकती है, आपसे GS1 में पूछी जा सकती है, GS2 में पूछी जा सकती है कि जो एफर्मेटिव एक्शन लिया गया है अभी तक वो कितना इफेक्टिव रहा है, और दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि उसको लेकर के क्या मतलब क्या रिव्यू की ज़रूरत है या फिर उसके ऊपर एक बार रीलुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि शुड जो रिजर्वेशन पॉलिसी और द एफर्मेटिव एक्शन टेकन बाय द इंडियन स्टेट नीड्स अ रीलुक और नॉट, इनको एक बार फिर से देखे जाने की ज़रूरत है या कुछ सुधार की ज़रूरत है या नहीं, तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल, एंड लीड आर्टिकल का सबसे पहले टाइटल समझ लेते हैं, लिबर्टी एट द गवर्नमेंट्स विम। तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, एंड इस आर्टिकल का बेसिक जो वो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि हमारी जो बेसिक लिबर्टीज हैं, हमारी जो मूल आज़ाद मूलभूत कुछ आज़ादियां हैं वो अब सरकार के मतलब सरकार के मन के ऊपर डिपेंड करती है। विम से यानी होता है कि आपके मन मर्जी के हिसाब से, ठीक। तो इस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर जो एक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष हैं मियाँ अब्दुल कायूम, जिनको आगरा में डिटेंशन में रखा गया है, तो उनके केस को लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। उनका केस जो है वो हाई जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में चल रहा था, एंड वहाँ पर जो जजमेंट दिया गया उसमें शुरुआत तो बहुत अच्छी की गई कि आज़ादी जो है वो मतलब सबके लिए बराबर है, एंड आर्टिकल 21 के अंदर आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद जो हाई कोर्ट ने मतलब कंक्लूजन दिया अपना वो एक बहुत ही विचित्र कंक्लूजन था। हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज स्टैंड अलोन, दैट दे आर कंपेल्ड बाई अ प्राइमर्डियल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों? क्योंकि समाज में एक तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये हाई कोर्ट ने बोला। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन को उन्होंने बोला कि हम उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस जजमेंट के कारण क्या हुआ कि अब जो हमारे और आपकी लिबर्टी है, हमारी जो आपकी आज़ादी है वो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो निर्भर करती है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है? क्योंकि अगर आप लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ा सा भी पढ़े तो वहां पर एक बहुत ही इनफेमस एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप किसी को भी बिना ट्रायल के जेल में भेज सकते थे, उसी का विरोध हुआ था। अब यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ऐसा एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसके अंदर 2 साल तक के लिए आपको बिना ट्रायल के गवर्नमेंट डिटेंशन में रख सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर के ऑथर ने लिखा है कि ये जो इस तरह के केसेस हैं हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण जो है वो लोगों की लिबर्टी के ऊपर एक निगेटिव असर पड़ता है। ऐसा ही एक बहुत ही फेमस केस AK गोपालन का 1951 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था। हालांकि गोपालन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, तो उनके लॉयर ने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली थी कि नो अमाउंट ऑफ फाइन फ्रेजिंग कैन डिस्गाइज द फैक्ट दैट डिटेंशन विदाउट ट्रायल इज रिपग्नेंट टू द यूनिवर्सल कॉन्शियंस ऑफ सिविलाइज्ड मैनकाइंड। आप चाहे कितने भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आप इस सच को नहीं छुपा सकते हैं कि बिना ट्रायल के, बिना जुडिशरी के सामने या बिना सबूतों के अगर आप किसी को भी डिटेंशन में रखते हैं तो ये मानव सभ्यता के खिलाफ है। तो ये एक चीज़ हम लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए कि जुडिशरी का बेसिक काम होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि किसी ने कोई अपराध किया है या नहीं। एग्जीक्यूटिव को इस तरह की पावर दे देना और वो भी 2 सालों तक आप किसी को डिटेंशन में रख सकें, तो ये एक तरह की टायरनी है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस एक आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू आयुष्मान भारत स्कीम, एंड यहाँ पर जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम को क्रिटिसाइज किया गया है। तो हम लोग आयुष्मान क्रिटिसिज्म देखें, उससे पहले जो एक बेसिक बात है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में वो जान लीजिए। आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस देने के लिए। तो इसके अंदर 50 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपये सालाना का इंश्योरेंस दिया जाना था। तो ये एक बेसिक चीज़ है।
अब ऑथर ने जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम को क्रिटिसाइज किया है, किस बेसिस पर किया है? सबसे पहला उन्होंने ये बोला है कि दिस इज ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द यूएस मॉडल। तो जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इंश्योरेंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसी सेक्टर को मतलब अंधे तरीके से फॉलो करते हुए इंडिया ने भी उस एक मॉडल को अपनाया है। अब इस एक मॉडल को अपनाने का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मतलब फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी रिसेंटली देर आर 171 हॉस्पिटल्स जिनको कि आयुष्मान भारत स्कीम के से डीपैनल किया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के फेक ई कार्ड्स बना दिए एंड फेक क्लेम्स जो है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिल करके सांठगांठ करके लिया। तो एक तरह से ये फ्रॉड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा जो है इसके अंदर इनएडिक्वेट फंडिंग, फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं कर रही है। जब ये स्कीम लॉन्च भी की गई थी तब भी ऐसा था कि जितना पैसा अलॉट किया गया था आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर उससे सिर्फ 25% लोग ही कवर किए जा सकते थे। अभी इस साल भी गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, यही किया है कि जो फंडिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, तो उसके कारण अभी ज़्यादा मतलब वो नहीं किया जा सकता है, प्रॉपरली उसके अंदर लोगों को कवर नहीं किया जा सकता है। तो ऑथर ने इस चीज़ को बोला है कि ज़्यादातर जो हमारी हेल्थ सेक्टर्स की स्कीम है उनके साथ प्रॉब्लम ही यही है कि एक स्कीम को हम पूरा नहीं करते अच्छे से और फिर दूसरे बड़ी स्कीम की तरफ चले जाते हैं। तो इस एक स्कीम के साथ भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ना हो एंड इसको प्रॉपरली जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। तो बेसिकली आयुष्मान भारत स्कीम का उन्होंने दो तीन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है जो आप लोग भी अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। सब फर्स्ट इज इट इज़ ब्लाइंडली फॉलोइंग द यूएस मॉडल, दूसरा जो है वो फ्रॉड का सिस्टम कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उसके अंदर वो एक प्रॉब्लम है, तीसरा जो फंडिंग है दैट इज इनएडिक्वेट। तो ये तीन क्रिटिसिज्म्स हमको ध्यान रखने हैं आयुष्मान भारत स्कीम के, जब भी पूछे जाएं आप लोग इसको चिपका सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एडिटोरियल, एंड जो दूसरा एडिटोरियल है हमारा दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द कावेरी डेल्टा जोन। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा जोन के प्रोटेक्शन को लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। तो अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है कावेरी डेल्टा जोन? क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडापड़ी के पलनी स्वामी, उन्होंने जो तमिलनाडु के राइस बाउल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होगा कि वहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन पॉलिसीज या जो भी ड्रिलिंग होने वाली थी पेट्रोलियम एंड ऑयल को लेकर के, वो सारी चीजें अब नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के अंदर एक चेंज किया कि पब्लिक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड पब्लिक कंसल्टेशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता कि डायरेक्ट क्लियरेंस मिल जाती है एंड जो फार्मर्स हैं उस एरिया के तमिलनाडु के, वो उनके ऊपर इसका एक निगेटिव इंपैक्ट होता। अब यहां पर पलनी स्वामी के लिए इस एक चीज से उन्होंने एक पंथ दो काज किया है, मतलब एक तीर से दो शिकार किए। एक तो सबसे पहले उन्होंने अपने लिए वोट बैंक तैयार कर लिया कि फार्मर्स जो है वो उनकी पार्टी को फेवर करेंगे, दूसरा उन्होंने लोगों को यह मैसेज भी दिया है कि AIDMK जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे रहे, मतलब हमेशा उनकी बात मानने वाली पार्टी नहीं है, इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है। इसके पहले भी उन्होंने एक और केस में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि AIDMK इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब उनके लिए पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर फार्मर्स का जो राइस बाउल एरिया है या जो राइस ग्रोइंग एरियाज हैं उनको ले लिया जाता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, एडिटोरियल ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया है कि इसके कारण जो स्टेट का एक इन्वेस्टमेंट है सीनैरियो है उसके ऊपर हो सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले स्टरलाइट कॉपर प्लांट को भी बंद करना पड़ा था, अब ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज है उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इस कारण से तमिलनाडु में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो हो सकता है इनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो, लेकिन यहां पर जो उनका इंटेंशन है वो सही है, दे आर प्रायोरिटाइजिंग द फार्मर्स इंटरेस्ट एंड फूड सिक्योरिटी एंड उसके ऊपर हमारे पूरे देश को ध्यान देना ही चाहिए। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड ऑपेड पेज पर जो आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू स्लो डाउन इन इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो घटी है? तो जब 21st सेंचुरी में यानी 2000 में हम लोग पहुंचे तो जो नेट नेशनल इनकम थी एवरेज इंडियन की वो 20,000 की थी, 2015 तक आते आते ये नेशनल इनकम जो है
वो 90,000 तक पहुंच चुकी थी। एंड अभी अगर उसी जिस रेट से हम लोग ग्रो कर रहे थे 2015 में, अगर हम लोग अभी ग्रो कर रहे होते तो वो कितने पहुंच जानी चाहिए थी, 1,65,000। लेकिन अभी कितनी पहुंची है रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, जो ये अभी नेट नेशनल इनकम है एवरेज इंडियन की, वो कितनी है, ₹1,35,000। तो कुल मिला करके एवरेज इंडियन को जो है वो ₹30,000 का नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ बताती है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन आया है। अब ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, POW, तो पॉलिटिक्स, ऑयल एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इन तीन चीज़ों के ऊपर हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। एंड बुरी बात यह है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, POW, पॉलिटिक्स हो, ऑयल हो या वर्ल्ड इकोनॉमी हो, इन तीनों में उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। 2014 में दे हैव अ क्लियर पॉलिटिकल मेजॉरिटी। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस भी जो है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे थे एंड वर्ल्ड इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। लेकिन जो मौका था हमारे पास इम्प्रूव करने का, वो हमने पूरी तरह से मिस कर दिया। इस कारण से जो अभी स्लो डाउन है वो देखा जा रहा है। अब क्या गलती हुई हमसे, वो आप कोरोना वायरस के जरिए, जिस तरह के कोरोना वायरस फैला है उसके जरिए ऑथर ने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब कोरोना वायरस और इंडियन इकोनॉमी के बीच में क्या मैच है उसको लेकर के जो हैंडलिंग थी वो दिखाती है कि किस तरह से आपने गलत तरीके से उसको हैंडल किया। जैसे जब कोरोना वायरस चाइना में वुहान में फैला, तो जिन डॉक्टर्स ने पहले बोला कि आपके यहाँ ऐसी बीमारी फैल रही है, तो वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने क्या किया, बोला तुम लोग झूठी खबर फैलाते हो, यू पीपल आर लाइंग एंड यू आर स्प्रेडिंग द निगेटिव न्यूज़, आप लोग निगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं। आजकल आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, इवन अपने प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव खबरें फैलाते हैं। तो इस तरह से जो निगेटिव खबरें या जो सही खबर दिखा रहे थे को नेगेटिव खबर बता करके चुप कराया गया। उसके बाद में जब बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल गया, जब लोगों को दिक्कत होने लगी, तब एक्सेप्ट किया गया कि हाँ कोरोना वायरस जो है वो हमारे यहां फैला है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी, यहीं पर हम कोरोना वायरस के साथ जो अप्रोच है वहां से अलग हो जाते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे बड़ी बजट स्पीच दी, लेकिन उसमें एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि इंडियन इकोनॉमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमको कोई दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऑथर का यही कहना है कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हेल्थ से रिलेटेड पैनडेमिक्स हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन हो, आप इसको बहुत दिनों तक नहीं छुपा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि वो इकोनॉमिक स्लोडाउन को एक्सेप्ट करे एंड जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए उनको लेना चाहिए। जिस तरह से चाइना में अभी कोरोना वायरस कंट्रोल के लिए वुहान में जो भी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं वो लोग ले रहे हैं, उसी तरह से इंडियन इकोनॉमी को भी रिवाइव करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हो वो लें, और ना कि इसको ये बोल करके कि ये निगेटिव न्यूज़ है या ऐसे लोगों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए या ये दे आर रेगुलर क्रिटिसाइजर्स। तो इन सारी चीज़ों से हट करके हमको इकोनॉमी के लिए जो भी स्टेप्स लेने हो वो लेने चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड जो दूसरा आर्टिकल है हमारा डेट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, वो हाईलाइट किए गए हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इंडिया ने जो उनके सिटीजन्स फंसे हुए थे वुहान में उनको बाहर निकाला, उसके अलावा उन सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, देवर केप्ट इन अ सेपरेट कैंप एट मनेसर, एंड वहाँ पर जब ये श्योर हो गए कि इनमें से किसी को भी कोरोना वायरस नहीं है तभी मतलब उनको बाहर जाने दिया। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने यह की कि जैसे ही पता चला जनवरी 17 को इंडिया इशूड इट्स फर्स्ट एडवाइजरी, इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ओपेंड अ 24/7 हेल्पलाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तुरंत टेस्टिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, इसके अलावा जो भी हमारे 21 एयरपोर्ट्स में जो भी चाइना से फ्लाइट्स आ रही थी, हांगकांग से आ रही थी, सिंगापुर से आ रही थी, थाईलैंड से आ रहे थे, उन सभी से जो भी पैसेंजर्स उतर रहे थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। शिपिंग मिनिस्ट्री ने भी सी पोर्ट्स के ऊपर ऐसे ही अरेंजमेंट्स किए हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर्स हैं नेपाल और भूटान के साथ, वहाँ पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। सारे के सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स को स्किल किया जा रहा है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ से डील
डील कर सकें। इसके अलावा इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का फॉलो करते हुए मालदीव्स के भी 7 लोगों को वुहान से निकाल करके लाए एंड उनकी भी हेल्प की, एंड पब्लिक भी जो है वो अभी हेल्प कर रही है, दे आर नॉट स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन। एंड आप लोग भी जो भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको ही फॉरवर्ड करें, ना कि जो कुछ भी फेक न्यूज़ है उसको स्प्रेड करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डैट इज़ रिलेटेड टू महात्मा गांधी, एंड महात्मा गांधी को लेकर के अभी जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसके कारण ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। एंड यहाँ पर ऑथर का बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी लीडर हो, कोई चाहे वो महात्मा गांधी हो या बड़े से बड़ा नेता हो, दे आर नॉट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, उनकी वो आलोचना से बाहर नहीं है, लेकिन दे शुड बी क्रिटिसाइज ऑन वैलिड पॉइंट्स। गांधी को लेकर के उनके जीवन काल में ही काफ़ी आलोचना हुई है, चाहे वो अम्बेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, इवन जवाहरलाल नेहरू हो, उन सभी ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन जिस तरह से आजकल चल रहा है माहौल उस तरह से क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर क्यों बोला जा रहा है ऐसा, क्योंकि बीजेपी की एक एमपी है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बोला कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त थे। इसके अलावा हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि मेरठ का नाम बदल करके गोडसे नगर कर देना चाहिए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस देश में कितनी इज्जत हो रही है। अब इसके बाद ये कम था तो अब यूनियन मिनिस्टर जो है वो अनंत हेगड़े जी, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने खिसिया करके या फ्रस्ट्रेट होकर के हमको आजादी दे दी, महात्मा गांधी के सत्याग्रह वगैरह से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तरह से मतलब उनकी जो सोच है वो हाईलाइट हो रही है। अब यहां पर ऑथर ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि गांधी की चाहे कास्ट को लेकर के अप्रोच हो, तो वो बी आर अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज किया उनको कि मतलब आपने मतलब एक तरह से जो दलित हरिजन्स थे उनके साथ गलत किया। दूसरा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने भी महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ नॉन वायलेंस के जरिए जो है वो हम आज़ादी नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करते थे। 1942 में जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई तो वहां पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला, ही कॉल्ड हिम द फादर ऑफ नेशन एंड ही कॉल्ड बोस अ पैट्रियट ऑफ पैट्रियट, ठीक है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन इसके बावजूद गांधी जो है वो बोस को मानते थे कि वो देशभक्तों में सबसे आगे है। तो इस तरह का एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था वो होना चाहिए। गांधी के जो इकोनॉमिक आइडियाज थे उनको कम्युनिस्ट भी क्रिटिसाइज करते थे। क्यों क्रिटिसाइज करते थे? क्योंकि गांधी का जो बेसिक आइडिया था वो ट्रस्टीशिप का था। ट्रस्टीशिप मतलब कि जो भी आपके पास पैसा आता है उसको ट्रस्ट पे रखा जाए। तो सोशलिस्ट उसको बोलते थे कि ट्रस्ट तो जो है वो अमीर लोगों का ही होगा, तो उसमें गरीबों का कैसे फायदा होगा। इसके अलावा जो गांधी का आइडिया था कि विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए एंड विलेज रिपब्लिक्स बनाए जाएं, ये भी मॉडर्न इंडियन स्टेट के हिसाब से नहीं किया जा सकता था। तो वहां पर भी उनके जवाहरलाल नेहरू के साथ डिफरेंसेस थे। इसके अलावा गांधी जी चाहते थे कि रूरल एरियाज को डेवलप किया जाए, ग्रामीण इलाकों को डेवलप किया जाए, और नेहरू जो है वो अर्बन एरियाज को डेवलप करना चाहते थे। तो वहां पर उनके बीच में डिफरेंसेस थे एंड इसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन गांधी का जो क्रिटिसिज्म है वो उनके वैलिड पॉइंट्स पर होना चाहिए, ना कि जिस तरह से आजकल बोला जा रहा है उस तरीके से। अब इतना सब कुछ आपको क्यों समझाया गया? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर तो एंटी बीजेपी हैं। आई एम नॉट एंटी और प्रो बीजेपी। पॉइंट इज कि महात्मा गांधी का जो क्रिटिसिज्म है वो आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है, एंड आप लोग भी वैलिड पॉइंट्स पर, जैसे बी आर अम्बेडकर ने क्रिटिसाइज किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्रिटिसाइज किया, या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, या जवाहरलाल नेहरू के साथ जो इनके डिफरेंसेस थे उनको हाईलाइट करिए, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हमको इस एक न्यूज से याद रखनी है। नाउ कम टू पेज नंबर 13, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इंडिया जो है वो ये वेपन सिस्टम यूएस से ख़रीदने वाला है। इस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की हमारी कीमत कितने होने वाली है? $1.867 बिलियन, ठीक है। तो ये यूएस में अभी खरीदा जाएगा। अभी इसको लेकर के कांग्रेस, यूएस कांग्रेस में भेजा गया। अगर 30 दिनों में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई तो ये फिर वेपन सिस्टम जो है वो इंडिया को बेचा जाएगा, ठीक है। एंड दिस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। एंड इसके अंदर जो है वो आपको एयर टू एयर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल्स एंड गाइडेंस सिस्टम, रडार्स, लॉन्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैकेज। तो आपसे, आप में से जो लोग CDS डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हम लोग किससे खरीद रहे हैं? तो वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है
that is related to convention on migratory species of wild animals, also known as Bonn convention. तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि Bonn convention जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, conservation of migratory species of wild animals. अब Bonn कहाँ है? Bonn जो है वो जर्मनी में है, एंड ये कब साइन किया गया था? It was signed in the year 1983. अभी जो इसकी मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो इंडिया में हो रही है, गांधीनगर में होगी, फ्रॉम फेब्रवरी 17 to 22. तो अब इंडिया जो है वो कोशिश करेगा कि जो एशियन एलिफेंट है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनको जो है वो अपेंडिक्स वन में शामिल किया जाए, सो दैट दे कैन गेट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, अब इंडिया जो है इट इज़ होम टू सेवरल माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. आप लोग इन स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा माइग्रेटरी स्पीसी है. तो स्नो लेपर्ड, अमर फाल्कन्स, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, मैरीन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड हम्प बैक्ड वेल्स, दे ऑल आर द माइग्रेटरी स्पीसीज इन इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पर एलिफेंट्स को क्यों शामिल किया जा रहा है? बिकॉज इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, अराउंड 29,964 एलिफेंट्स आर देयर इन इंडिया. एंड इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, यहाँ पर भी इन लोगों को ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इफ़ दे आर प्लेस्ड इन द CMS अपेंडिक्स वन. ठीक है, अब ये एलिफेंट के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि इट इज प्लेस्ड इन शेड्यूल वन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, अब CMS के बारे में देख लेते हैं, कॉन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में. इट कंजर्व्स टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज इन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. एंड इसके दो अपेंडिक्सेस हैं, फर्स्ट वन इज अपेंडिक्स वन, इसमें किन स्पीसीज को रखा जाता है? स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन एंड हियर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड. एंड दूसरा है अपेंडिक्स टू, जहां पर स्पीसीज दैट वुड बेनिफिट और नीड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उनको रखा जाता है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर CMS के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू किला राय पिथौरा. एंड जो दिल्ली में 7 शहर बसे, उनका राइज एंड फॉल जो है वो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके लिए एक म्यूजियम बनाया है उन्होंने. एंड सबसे पहला जो शहर था वो था किला राय पिथौरा. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि दिल्ली के अंदर जो है वो 7 शहर हैं, और उसमें से जो सबसे पहला था वो कौन सा था? किला राय पिथौरा. एंड यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम क्या है. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ कंट्री. कब बनाया गया था ये? 1861 में बनाया गया था. तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है. इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने. ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम. कब बना था? 1861 में बना था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू JRD टाटा, जमशेद जी टाटा. तो जहांगीर RD टाटा, सॉरी. तो यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि अभी उनको जो है वो पहला डिजिटल लाइसेंस एयर एविएशन का वो किसके नाम पर किया जा रहा है? JRD टाटा के नाम पे किया जा रहा है. ठीक है, एंड ही वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू पास द टू गेट अ फ्लाइंग लाइसेंस. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि पहले इंडियन जिनको कि फ्लाइंग लाइसेंस मिला था वो कौन थे? JRD टाटा. हालांकि एविएशन सेक्टर में पुरुषोत्तम मेघजी कवाली को पहला इंडियन पायलट माना जाता है. तो नाम ध्यान रखिएगा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पायलट? पुरुषोत्तम मेघजी कवाली. एंड JRD टाटा पहले इंसान थे जिनको कि इंडिया की तरफ से फ्लाइंग लाइसेंस मिला था. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर JRD टाटा के बारे में. तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर कर दिए जाए. तो हमारे पास तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, एटलीस्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर द ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लीविंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी. तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस. आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. एंड अगर आपको जो ये नोट्स दिख रहे थे वो अच्छे लगे तो यू कैन रजिस्टर एट द टेम्स पोर्टल, एंड वहां पर आपको इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन्ड पार्ट, एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट द PIB न्यूज. इसके अलावा आपको योजना कुरुक्षेत्र मंथली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन नॉट राइटिंग द नोट्स रादर देन लर्निंग देम, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द
टेम्स पोर्टल, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दी गई है। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल।